अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4B, ठीक है। और अब आ जाइए पेज नंबर है 59 और क्वेश्चन नंबर है 1, ठीक है। 4B का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले हमने मालूम किया था HCF, अब हम फाइंड करेंगे LCM, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे LCM फाइंड करेंगे, तो आपको इस तरह से फाइंड करना है। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि LCM होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करूंगी, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि फाइंड द LCM, LCM कैसे फाइंड करते हैं ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मैथड, कॉमन मल्टीपल मैथड से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा हुआ है कि मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है, ये 10 के मल्टीपल्स हैं। अब देखिए मैंने 10 के मल्टीपल्स कहाँ तक लिखे हैं, 10 को जब मैं, जैसे 10 में 10, 10 टू द 20, 10 3 द 30, 10 4 द 40, ये सारे जो है 10 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 10 इसमें और 10 ऐड करेंगे तो 30, 10 और ऐड करेंगे तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये इससे आगे भी ज्यादा रहेगा, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 10 से भी ज्यादा। उसके बाद ये देखिए मल्टीपल्स ऑफ 15, मैंने लिखा 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, मैंने भी 10 तक करे, ठीक है। जैसे 15 टेंस 150 होता है इस तरह से, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 140, 160, 180 और 200, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें देखना है कि कौन से सेम पेयर्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखें 10 है, इधर 10 नहीं है, इधर 20 है, 20 से स्टार्ट हो रहा, तो ये नहीं है 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 नहीं है, 30 यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 नहीं है। इसके अलावा 40 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा 50 दोनों में नहीं है, 60 देखिए 60 यहाँ पे भी है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये आगे कॉमन। उसके बाद 75 यहाँ पर है, 70 नहीं है और नीचे भी नहीं है 70। इसके अलावा यहाँ पे 100 है, ऊपर भी 100 है लेकिन यहाँ 100 नहीं है, 91, 105 आ गया। अच्छा उसके बाद देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 120, ठीक है 120 और यहाँ पे आ गया 120। और इधर देखें जब हम इसमें भी करेंगे, अगर हम 100 से आगे जाएंगे तो इसके अंदर 110 आ जाएगा और फिर 120 भी आ सकता है। तो इसमें भी आ रहा है 120 और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 120, तीनों में आ रहा है 120, तो हमने 120 भी लिख दिया। 60 कॉमन आया, 60 लिख दिया, 120 कॉमन आया, 120 लिख दिया। इसके अलावा 140 देखें ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा। देखिए इसमें नहीं आ रहा, यहाँ 150 तक जा रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा है, इसमें अगर आ भी जाएगा तो पेयर तो नहीं बनेगा, तीनों में सेम पेयर बनना है। अब इसमें नहीं आ रहा, 150 तक जा रही है, जिसमें नहीं आ रहा इसका मतलब है कि ये पेयर नहीं बन सकता, 160 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 150 है, तो इसमें से नहीं आ रही है और ना इसमें आ रहा है, इसमें चले आ भी जाएगा लेकिन इसमें नहीं आ रहा क्योंकि इसके बाद जो है बड़ा नंबर आ जाएगा। जैसे इसमें 15 और ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 165, ठीक है, 160 नहीं आएगा। उसके बाद इसी तरह से जैसे ये हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले, अब इसमें सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर है कौन सा है, 60, तो आपने यहाँ पे 60 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसी तरीके से, अच्छा इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट समझाया था, आपने फर्स्ट पार्ट करना है खुद से, 4 के मल्टीपल्स लिखना है, 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं और 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, और जो कॉमन आएगा आपने वो लिखना है और जो सबसे छोटा होगा वो आपका आंसर। अच्छा उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर टू में फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा इसमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम मेथड में कैसा होता है ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से 35 है, 49 है, ठीक है, और 91 है। अब यहाँ पे आपने पहले 35 का वो फैक्टर्स निकाल लेने हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 आ रहे थे, 7 5 7 35 7 1 7, इसके बाद 49 लिखा होता है, 7 7 49, 7 1 7, और 91 आ रहे तो 7 1 7, और यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा, ठीक है, तो 7 3 21 और 13 1 30। अब यहाँ पे देखें 35 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 5 × 7, 49 के फैक्टर्स है 7 × 7, 91 के फैक्टर्स है 7 × 13, जो सेम आएगा आपने वो लिख लेना है, ठीक है। कॉमन जो आया आपके पास आपने वो लिखा, कॉमन आपके पास ये आया है
और देखिए जो इसमें एलसीएम फाइंड करना, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपको एचसीएफ में आपने क्या किया था, जो कॉमन आए थे आपने वो लिखे और उन सबको मल्टीप्लाई करके आपने एचसीएफ फाइंड कर लिया। लेकिन एलसीएम में ये होता है कॉमन आया 7, इसके अलावा जो रिमेनिंग फैक्टर्स है 5, 7 और 13 इन सबको भी मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे आपने 7 वन टाइम लिख दिया, ये 7 आ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद 5, 7 और 13, यहाँ पे लिखा हुआ 5, 7 और ये 13, इन सबको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3185, ये आपका आंसर होगा और आपने एलसीएम फाइंड कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाया है, आपने 3 और 1 एज इट इज अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, इसमें कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। अच्छा, यहाँ पे डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है, हमने वहां पे एचसीएफ फाइंड किया था डिवीजन मेथड से, अब यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो आपने इस तरह से, मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाती हूँ, ये देखें डिवीजन मेथड इस तरह से होगा एलसीएम का, 14, 21 और 56 आपने इस तरह से लिखा, 2 7s are 14, सब छोटे नंबर से आपने डिवाइड करने हैं, 2 7s are 14, ये नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे 2 to the 4 और 1 इधर चला जाएगा, 2 8s are 16 हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 1s are 2, 2 4s are 8, 21 और 7 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, 2 7s are 14 हो जाएगा, 21 और 7 एज इट इज आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 7s are 21 हो जाएगा, 7 और 7 एज इट इज आ जाएगा, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 1s are 7, जितने भी ये फैक्टर्स आए सबको आप नीचे उतारेंगे, ठीक है, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7, जब आप सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24, इस तरह से आप करेंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 168, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में भी इसी तरीके से करेंगे 16, 24, 30, 40 और 48, तो सबसे छोटे नंबर से करेंगे 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 2s are 4, कॉमा साथ साथ लगाते जाएंगे, 2 1s are 2, 2 5s are 10, फिर उसके बाद कॉमा लगाए 2 2s are 4 और 0 आ जाएगा, 2 2s are 4, 2 4s are 8, फिर उसके बाद 2 4s are 8 कॉमा लगाएंगे, 2 6s are 12, 15 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, फिर उसके बाद 2 1s are 2 और 0 एज इट इज आ जाएगा यानी 2 10s are 20 हो जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे हम 2 1s are 2, 2 2s are 4, अब उसके बाद यहाँ पे 2 के टेबल से दोबारा करेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 15 एज इट इज उतारेंगे, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 3 15 और 5 हम एज इट इज उतारेंगे क्योंकि ये तीनों 2 के टेबल में नहीं आते, उसके बाद 3 1s are 3, 1 एज इट इज उतार लेंगे, 3 1s are 3, 3 5s are 15 और 5 एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 3 1s are 3 करेंगे, फिर उसके बाद आपने करना है 5, अब 5 के टेबल से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 बचे हैं, तो 5 1s are 5, 5 1s are 5 और ये 1 एज इट इज, सारे फैक्टर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है कि 2 multiply by 2 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो आपके पास आ जाएगा, जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48 और 48 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से तो आपके पास आ जाएगा 240, ठीक है। जैसे 48 को मल्टीप्लाई किया आपने 5 से तो आपके पास 240 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका एलसीएम है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसका मैंने आपको सेकंड और थर्ड पार्ट करवाया, आपने 1, 2, 3 तीनों पार्ट करने हैं अपनी कॉपी में, फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है और दोनों पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, 4 पार्ट आप इसका स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप 4 पार्ट आप स्किप कर दें। यहाँ पे जो है ये आपकी एक्सरसाइज 4B यहीं तक होगी, ठीक है, बाकी तमाम क्वेश्चन आपको नहीं करवाए जाएंगे।